छात्र पिंटू राजभर के हत्या के मामले का आज मऊ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहाँ पर घटना में संलिप्त 25,000 का इनामी छात्र अपराधी गिरफ्तार हुआ है। वहीं कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल व मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक सुशील गुरे चंद्रभान के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक त्रिभुवना त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना घोसी पुलिस ने SOG स्वाट सर्विलांस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब मुखबिर के जरिए सूचना पर पीवाताल मोड़ के पास घेराबंदी कर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल आती दिखी, जिसे टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया। उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल पीछे मुड़ाकर भागना चाहा, जिस पर तत्परता दिखाते हुए मौजूद पुलिस बल द्वारा घेर कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 32 बोर और उसके मैगजीन से 3 जिंदा कारतूस और 5,850 रुपये और मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर बरामद हुआ है। इस बीच अपना नाम लालू यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र सुरबली यादव निवासी जमीन कपारगढ़ थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ का बताया जा रहा है। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान बताया कि मेरे दोस्त आशुतोष ओझा निवासी नथनपुर थाना जियनपुर आजमगढ़ ने अपने भाई को विदेश भेजने के नाम पर 50,000 रुपये पिंटू राजभर पुत्र राम समुज निवासी चुम्बनार थाना दोहरीघाट मऊ को दिया था, लेकिन वह विदेश नहीं भेज पाया और रुपये मांगने पर नहीं दे रहा था। आपको बता दें कि इसके साथ ही जहां पुलिस एक और अपराधी को खोजने में जुटी हुई है, वहीं उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पक्ष से कार्रवाई भी की जा रही है। सर क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि आज के 2 माह पूर्व थाना घोसी में गांव चंद्रापार में एक डकैती की घटना हुई, जिसके वांछित अपराधी लालू यादव हमारे ट्रैक पे थे। ये 25,000 का इनाम इनको घोषित हुआ, इनको हम ट्रैक कर रहे थे, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उस घटना के बाद एक घटना हुई थी जिसमें पिंटू राजभर की हत्या हुई थी। पिंटू राजभर की घटना के भी ये प्राइम सस्पेक्ट थे और उसमें भी हम इनकी तलाश कर रहे थे। इनके गिरफ्तारी के बाद इनसे जो पूछताछ हुई है, इसमें पिंटू राजभर की घटना का अनावरण हुआ है। इन्होंने रविंदर यादव और आशुतोष ओझा के साथ इस घटना को, पिंटू राजभर की हत्या की घटना को अंजाम दिया है। इसका कारण ये था, आशुतोष ओझा ने पिंटू राजभर को 85,000 रुपये दे रखे थे पासपोर्ट वीज़ा बनवाने के लिए, विदेश भेजने के लिए। बाद में वो उसकी हत्या कर दी। ये घटना का को पूरी तरह कबूल कर रहे हैं और इस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ है। ये 25,000 के इनामी अपराधी थे। इनके पास से एक पिस्टल रिकवर हुई है, एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है जो फर्जी नंबर प्लेट की है, और यही 2-3 रिकवर हुई। सर हत्या क्यों हुई पिंटू राजभर की? वही तो बताया मैंने आपको। बात यह है कि पिंटू राजभर ने 85,000 रुपये आशुतोष ओझा से ले रखे थे वीज़ा पासपोर्ट बनवाने के लिए, जो मांगने पे वो 5-6 महीने से नहीं दे रहा था। 24/6 को ये लोग मांगने गए थे उससे, और जिस बात को लेकर के उसमें आपस में झगड़ा हुई है। झगड़ा में पिंटू ने कहा कि नहीं देंगे, तो 25 को इन लोगों ने प्लानिंग करके 11 बजे पे आए और उसको गोली मार दी। तो रविंदर और सर ओझा कहाँ इस वक्त? रविंदर घटना के बाद, रविंदर चूंकि डकैती के मामले में वांटेड थे, वो तुरंत हाजिर हो गए। ओझा बाहर भाग गया, उनकी लोकेशन इस समय बॉम्बे की मिल रही है, और लालू इसी क्षेत्र में घूम रहे थे, एक और भी अपराध की करने की तलाश में थे।